अजब गजब फैशन नाम की ये दुकान शहर में काफ़ी फेमस है। जैसा दुकान का नाम है वैसे ही यहाँ कपड़े भी मिलते हैं। पिछले 25 वर्षों से ये दुकान अपने अजब गजब कपड़ों की वैरायटी के लिए मशहूर है। एक बार जो यहाँ आता है वो फिर कहीं और नहीं जाता। दुकान के मालिक अनीस खत्री बताते हैं कि पहले वे गुजरात में साड़ियों का व्यापार करते थे। वहाँ भी उनकी दुकान अजब गजब फैशन के नाम से ही संचालित होती थी, लेकिन 12 वर्ष पहले वे वापस घर लौट आए। अपने साथ एक थैली में कुछ साड़ियाँ लाए थे। उन्हीं साड़ियों से खरगोन में दुकान शुरू की और साड़ियाँ बेचना प्रारंभ किया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने बड़ी लड़कियों के कपड़े बेचना शुरू किया और धीरे धीरे खरगोन की सबसे फेमस दुकान बन गई। दुकान की खासियत है कि कम कीमत में ऐसी क्वालिटी और वैरायटी के कपड़े पूरे खरगोन शहर में और कहीं नहीं मिलते, इसीलिए दुकान के नाम से लड़कियां यहां कपड़े लेने आती हैं। इस दुकान में जीन्स, टॉप, लेगी, कुर्ता, पजामा सहित लड़कियों के हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, वो भी मात्र 200 से 500 रुपए के बीच। खरगोन के एमजी मार्ग स्थित गोल्ड बिल्डिंग के सामने गली में छोटे से एरिया में लगने वाली अजब गजब फैशन कपड़ा दुकान के मालिक रोज़ाना 27 किलोमीटर दूर अपने गांव उमरिया उटावस से आते हैं। सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं और रात 8 बजे तक दुकान खुली रखते हैं। दिन भर ग्राहकों की यहां भीड़ लगी रहती है। हर 2-4 दिन में दुकान में कपड़ों की वैरायटी बदलती रहती है। यही वजह है कि यहां पर रोज़ाना ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन। क्या नाम है आपका? अनीस खत्री। ये दुकान आपकी क्या नाम से है, कहां पर है खरगोन? अजब गजब खरगोन, कोल बिल्डिंग है। क्या ये नाम के पीछे का कारण बताएंगे, नाम अजब गजब कैसे पड़ा? ये शुरू से नाम अपन अजब गजब ही रखते भैया। ये हमारा बहुत पुराना नाम है, 25 साल पुराना नाम है। यही नाम क्यों रखा? हमको पसंद है ये नाम। तो अजब गजब नाम के साथ यहाँ पर कपड़े अजब गजब है जी। कैसी वैरायटी? जैसा नाम वैसा काम है। कैसी वैरायटी मिलती है? हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ पे। ये ज़्यादातर मीडियम लोगों के लिए ही रहता है, जो रेगुलर पहनते हैं उनके हिसाब से रहता है ज़्यादातर। कैसे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर? कपड़ा गारंटी के साथ बढ़िया आइटम रहता है। नाम लेके आता है अजब गजब का, बहुत पुराना नाम है हमारा ये। नहीं, कौन कौन से वैरायटी कपड़े यहाँ पर? फुल वैरायटी मिलते हैं, बड़ी लड़कियों का हर चीज़ मिल जाती है। टॉप, लेगी, जीन्स वगैरह, कुर्ते वगैरह हर चीज़ मिल जाता है यहाँ पर, और रिजनेबल रेट में मिलता है अपना, क्योंकि सेलिंग फास्ट है अपना। वैरायटी हर 2-3-4 दिन में चेंज हो जाता है, सेलिंग होता है। किस तरह के कपड़े रहते हैं अपने यहाँ? कपड़े जो रेगुलर चलते हैं वही फैंसी आइटम है सब। और क्या फैंसी आइटम जी? डिमांड के हिसाब से आते रहते हैं। खास तौर पे यहाँ सिर्फ महिलाओं के कपड़े रहते हैं? सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए, वो भी बड़ी लड़कियों के, बच्चों के नहीं। कितना समय हो गया दुकान को? दुकान को हमको यहाँ पे 12 साल हो गए हैं खरगोन में। 12 साल। इसके पहले कहाँ थे? इससे पहले हम साड़ी का धंधा करते थे। ये गुजरात में करते थे पहले। गुजरात में जी। वहाँ पर दुकान थी या फिर? यही दुकान अपने सेल, वहाँ पे अजब गजब के नाम से था हमारा। वहाँ से आप दुकान यहाँ लेकर? जी, रहने वाले छोटे से गांव के हैं, उमरिया उटावत के हैं। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं हमारा, यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। डेली अप डाउन करते हैं हम लोग। कपड़ों का व्यापार करने का सुझाव कहाँ से आया? ये तो अब हमारे जन्म का एक, हर खत्री ये समझ लो कि 99% लोग ये कपड़े का धंधा करते हैं। खरगोन में जो आपकी दुकान है तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे खरगोन जिले के आते हैं, आसपास के सब लोग आते हैं, सब लोग जानते हैं। जब जब घूमते हो आते हैं यहाँ पे सब। कीमत की अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू होता है? कहाँ? 200 से शुरू होता है, 200 से 250, 300, 400, 500, मतलब ज़्यादा हेवी रेंज के नहीं रखते हम, मीडियम रेंज वाले रखते हैं ज़्यादातर हम कुर्ते। ब्रांडेड भी रहते हैं इसमें? ब्रांडेड वाला नहीं रखते हम लोग, लोकल रहता है, पर क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी अच्छा बिकता है। दिन भर में कितने कस्टमर आ जाते होंगे? अब आते रहते हैं, बिकते रहते हैं।